हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का लेसन नंबर वन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर वांटेड टू डू होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करना चाहता था, वो कहता था वो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometime he did feel like an ignoramus. उसके टीचर्स उसको बोलते थे कि तुम कुछ स्टडी करो और उसको लर्न करो, और उसके टीचर कहते थे वरना तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। और वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करता था और वो इनोग्रामस फील करता था, यानी कि जैसे जो लोग पढ़ाई के बारे में बोलते हैं उनको इग्नोर करता था। बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। वो क्या कर सकता है, वो होमवर्क हेट कर चुका है। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तो एक दिन उसने देखा उसकी जो कैट थी वो ना एक डॉल के साथ खेल रही थी, उसने उससे छीन लिया, grabbed यानी छीन लिया। और to his surprise it wasn't a doll at all but a man of tiniest size. उसने देखा कि वो कोई डॉल नहीं थी, वो एक मैन था छोटे साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मस्ट लाइक अ विचेस। इसका मीनिंग था कि वो ओल्ड फैशन की जो शर्ट होती है वो डाल के आया था और ब्रिचेस डाली थी उसने, और एक हाई टॉल हैट डाली थी जो कि विचेस डालते हैं। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। उसने बोला कि मुझे बचाओ, मुझे उस कैट को वापस मत देना। आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट। उसने बोला कि मैं तुम्हें ये विश ग्रांट करता हूँ, मैं तुम्हें प्रोमिस करता हूँ, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक ने खुद के ऊपर बिलीव नहीं किया कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो उसने बोला कि तुम मेरी एक विश पूरी करो, यानी कि जो मेरा होमवर्क चलता है सेमेस्टर तक, यानी कि सेमेस्टर में 35 डेज होते हैं, पूरे 35 डेज मेरा होमवर्क करोगे। If you do a good enough job, I could even get as. उसने बोला अगर तुम अच्छे से अपना काम निभाओगे तो मैं भी तुम्हारी अच्छे से केयर करूँगा। The little man face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो little man था वो गुस्से में आ गया, उसने अपने फेस को ऐसे से उसमें बनाया, अलग अलग टाइप्स के फेसेस बनाए और क्या बोलते हैं, और वो थोड़ा परेशान हो गया था कि मैं कहाँ पे आ गया। ही किक्ड हिज लेग एंड डब्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमीस्ड एंड स्क्रोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। उसने किक मारी और उसने अपनी फिस्ट मुट्ठी को दबा लिया और स्क्रोल कर लिया और उसने अपने लिप्स भी दबा लिए। ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। उसने बोला ओह मैं थक गया इससे पर लेकिन मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और ये सच निकला कि उसने एल्फ ने सारा का सारा पैट्रिक का काम किया, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। और उधर एक बस थोड़ी सी उससे गलती होगी वर्क करने में, जैसे ग्लिच यानी कि गलती। The elf didn't always know what to do and he needed help, help me, help me। था कि उसको क्या करना है, उसने पैट्रिक से हेल्प मांगी, उसने बोला हेल्प मी, हेल्प मी उसने बोला, और एंड
Trick would have to help him in whatever way, whatever way. एंड जो पैट्रिक था उसको उसने कहा कि तुम्हें मेरी मदद कैसे ना कैसे करनी ही पड़ेगी. आई डोंट नो दिस वर्ड, उसने बोला मैं इस वर्ड को नहीं जानता, मुझे ये नहीं पता. द एल्फ स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. एल्फ हैरान हो गया, उसका वो हैरान हो गया और रोने लगा उसका होमवर्क देख के. उसने बोला गेट मी अ डिक्शनरी, उसने बोला मुझे एक डिक्शनरी ला के दो. नो What's ever even better? Look up the word and sound it out by each letter. उसने बोला कि मुझे नहीं पता इसका मीनिंग, तुम मुझे इसका मीनिंग बताओ और जो जो लेटर है हर एक लेटर की मुझे प्रोनाउंसिएशन बताओ. When it come to math, Patrick was out of luck. और जब वो मैथ्स पे आता है पैट्रिक का लक काम नहीं करता. What's our times table? The एल्फ स्ट्रीट. और उसने उसने पूछा कि टाइम टेबल्स क्या होता है. एल्फ रोने लग गया, उसे पता नहीं था कुछ भी. और पैट्रिक होमवर्क करोगे, वी एल्फ्स नेवर डिड दैट. और एल्फ ने ये कुछ भी नहीं किया था लाइफ में. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. ही सेट डाउन बिसाइड मी. और उसने बोला कि उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शंस इन सब में बहुत दिक्कत आती थी, उसे कुछ भी नहीं पता था. और वो एक जगह पैट्रिक के साथ साइड में बैठ जाता था. यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और उसने बोला कि मुझे सब कुछ आराम से गाइड करो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, बिकॉज उसे कुछ नहीं पता था, उसके बारे में सब कुछ मिस्ट्री था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर. लिटिल एल्फ जो था वो बार बार चिल्लाने लगा मुझे बताओ मुझे बताओ. जस्ट गो टू द लाइब्रेरी, उसने ज़ोर से बोला लाइब्रेरी जाओ. आई नीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी टू रीड देम. उसने बोला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ला के दो और मुझे हेल्प करो रीड करने में. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. तो उसने हर एक मैटर में हर एक दिन उसने जो वो था वो था क्या बोलते हैं एल्फ था, उसने हर बार उसको बोला कि तुम मुझे बताओगे. और जो नाग यानी कि वो परेशान हो जा रहा था बार बार. Patrick was working harder than ever and was it a drag? तो पैट्रिक समझ नहीं पा रहा था, उसने बहुत हार्ड वर्क किया और एंड ड्रैग और वो ड्रैग हो गया. He was staying up nights. वो रात भर जागा रहता था. Had never felt so weary. और वो थोड़ा वियरी वियरी सा भी यानी कि अजीब अजीब सा फील करता था. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पुफ्ड एंड ब्लियरिंग. और जिस दिन वो स्कूल गया तब उसकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और बस लास्ट डे रह गया था और फिर एज फॉर होमवर्क होमवर्क उसने कंप्लीट करवा दिया था. देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. और वो पिछले वाले दरवाजे से एकदम रात को निकल गया. पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट वर अमेज्ड. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. और उसके क्लासमेट्स उसके टीचर सब हैरान हो गए और उसकी क्लास टीचर ने स्माइल किया और उसको अच्छे से प्रेज किया, अच्छे से उसकी तारीफ की. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक. और उसके पेरेंट्स भी हैरान हो गए थे कि पैट्रिक को हुआ क्या है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. वो अब एक अच्छा बच्चा था, वो अपना सारा काम टाइम पे करता था, रिस्पॉन्सिबल. And cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude. He like he had developed and whole
न्यू एटीट्यूड। और वो अपना रूम भी साफ करता था, किसी से रूडली बिहेव नहीं करता था, चीयरफुल करता था और डेवलप्ड रहता था। उसने अपना कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट हीड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। उसे ऐसा लग रहा था कि जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक का सारा होमवर्क कर दिया। बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट पर उसने बताया कि एक सीक्रेट मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक जो लिटिल मैन था उसने कुछ भी नहीं किया, पैट्रिक ने सब कुछ खुद किया। सो दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू।